हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई कैसे आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यार कल के व्लॉग में ना मेरी दो बातें रह गई थी कि भाई पहली चीज ये गाय वगैरह है अपनी जो गोमाता है ये रोड्स पे क्यों आ रही हैं, दूसरी चीज कि भाई मैं एक ट्रिप पे जा रहा था जो मैं आपको बता रहा था कि भाई एंड में बताऊंगा, बट मेरे ध्यान में ही नहीं रहा कि असल में मेरे को बताना भी था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो भाई एक बार मैं जा रहा हूँ फिलहाल हॉस्पिटल मम्मी को लेके, वहां से जल्दी से फ्री होते हैं और उसके बाद आपको सारी चीजों के बारे में बताते हैं, ठीक है? चलो चुके हैं हॉस्पिटल से और हालत ऐसी हो रही है अपनी उजड़े चमन जैसी, पर अच्छा लग रहा हूँ। कहाँ उजड़े चमन सी लग रही है, अच्छा लग रहा हूँ। बाकी एक बार चल रहे बैंक में और उसके बाद बैंक का यार काम रह ही रहा, अटक ही रहा है, पर आज हो जाएगा, ठीक है? तो बैंक में चलते, उसके बाद चलते दादी पे। दादी पे क्योंकि पीछे की बाउंड्री हो रही है उसमें थोड़ी सी कोई कुछ चंद लोग है जो रुकावट बन रहे हैं, तो उन रुकावट इनने भी देखे हैं और चल के बाकी सारे भाई भी आ रखे होंगे। अभी देखता हूँ मैं यहाँ से रोड पे से पता लग जाएगा कि भाई कितने बच्चे आ रखे हैं अपने साथ के, कितने नहीं। बाकी यार दादी का काम है तो जाना पड़ेगा, अपन सारे जाएंगे और जहाँ तक है भाई काफ़ी बंदे हैं, गाड़ी खड़ी है, बाइक खड़ी है, ओए काफ़ी भीड़ है भाई अपनी। तो चलो एक बार चलते पहले बैंक में होते हैं और उसके बाद भाई वार्तालाप करते हैं अपने जो एक गाय आ रही हैं और जो सरप्राइज था ना उसका कि भाई कहीं की ट्रिप जा रही है, उसका भी वो दूंगा और साथ के साथ एक बैड न्यूज़ भी दूंगा आपको। बैड न्यूज़ भी मेरे पास एक आ गई है, ठीक है? तो जल्दी से चलते हैं और ओए होए पहुंच गए भाई, हम पहुंच ही गए बैंक में, तो चलो बैंक के अंदर चलते हैं अब, ठीक है? आज तो यार गाड़ी में, पर बाहर मौसम इतना साफ है और अंदर इतनी गर्मी है। चलो पहले एक बार इसको गाड़ी को कर लेते हैं ठंडी। हवा की आवाज आ रही होगी ना भाई? अब चला थोड़ा एसी, अब इसको कर लेते हैं थोड़ा मंदा। तो भाई हम कहाँ थे? हाँ, हम बताने वाले थे कि भाई अपनी गायों की सिचुएशन ऐसी क्यों है। तो भाई आप एक चीज़ बताओ मेरे को, जैसे अपना ये एरिया है और इसमें अभी आप रह रहे हो, ये मान लो कि भाई जानवर डोमिनेटिंग है, सबसे ज़्यादा जानवर डोमिनेटिंग है, इंसान के आगे कुछ भी नहीं है, और आपके जो घर है ना उनको तोड़ के खेत बना दिए जाए, जंगल बना दिया जाए कोरे, आप भाई फिर जाओगे कहाँ ये बताओ मेरे को? आप खेतों जंगलों में ही तो जाओगे। अब जंगलों में भाई जाओगे तो आप जानवरों के पास रहोगे, कॉमन सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप अगर जंगल में जाओगे तो जानवरों के पास रहोगे, है ना? तो भाई अब आप उनकी जगह पे जा रहे हो या फिर अपनी जगह पे ही हो? आपकी तो जगह कोई रही नहीं जो आप उस पर जा पाओगे, सही कह रहा हूँ? अब भाई सेम एज कम्पेयर टू अपना भी है कि ये जितनी भी एरिया देख रहे हो ना आप, ये अपनी नहीं है भाई, इन जानवरों की है। आज से करीब करीब 8 से 10 साल पहले ये जंगलों से बना के हमने काट पीट के यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा वो खड़ा कर दिया है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। अब इसमें भाई क्या हुआ है, इसमें जो अपने जंगली जानवर थे डोमेस्टिक एनिमल्स थे सबकी जितनी भी जगह थी ना रहने की वो गिर चुकी है। अब भाई वो रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? वो भाई रोड पे आएंगे या तो घूमते फिरते रहते थे भाई जानवर, जरूरी थोड़ी नहीं रोड पे। अब जो उनकी जगह थी वहाँ से वो हट चुके हैं, बट अब कहीं तो जाएंगे भाई वो, उन्हें भी भाई खाना पीना चाहिए। जो अपनी गाय होती है गोमाता होती है वो भाई क्या खाती है, घास खाती है और जंगली पेड़े खाती है, पेड़ों वगैरह को खाती है। अब भाई उनको कुछ चीज़ मिलेगी नहीं, तो भाई वो एंड में आके क्या करेंगे, वो सीधा सिंपल भाई जो मिल रहा है ना, कूड़ा मिल रहा है, कचड़ा मिल रहा है, उनको भाई अपने बच्चों का पेट भरना है, ठीक है? वो कूड़ा कचड़ा जो मिल रहा है उसको खा के
उसको फिर भी बेसिक इन्फेक्शन हो, उसको कुछ भी हो, उसको दूध बनाती है और अपने बच्चों को पिलाती है। और कुछ ऐसे डेयरी फार्मिंग वाले हैं भाई जो अपने ऐसे जानवरों को छोड़ तो देते हैं बट उसके बाद उनका शाम को दूध भी निकाल लेते हैं, जो वो अपने बच्चों के लिए बनाती है ना दूध, उनको निकाल भी लेते हैं। ऐसे भाई थोड़े हार्टलेस पीपल हैं अपने इस इंडिया में। बाहर की तो भाई मैं साफ कह रहा हूँ कि बाहर तो कोई है ही नहीं ऐसा जो भाई जानवरों से प्यार करता हो या फिर उनके लिए कुछ करता हो। कोई कोई बहुत रेयर मिलते हैं, बाकी सारे फॉरेन कंट्रीज में तो भाई ऐसा है ही नहीं, अपने इंडिया जैसा है ही नहीं, कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ना मेरे मन में आ रही है जो ये बोलते हैं ना डॉग लवर है और उसके बाद भी चिकन वगैरह खा रहे हैं या फिर जानवरों को मार के खा रहे हैं, तो एक बात बताओ मेरे को, कल को कोई आपके कुत्ते को मार के खा जाए कैसा लगेगा आपको? गुस्सा आएगा, मार देने का जी करेगा, है ना? क्यों? कुत्ते में ही जान होती है, कुत्ते ही प्यार करते हैं और जानवर प्यार नहीं करते। अब ये चिकन है, इनमें जान नहीं होती, बकरे होते हैं इनमें जान नहीं होती। आपको एक किस्सा सुनाऊं तो पाकिस्तान की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बकरा काफ़ी ज़्यादा रोता है ना, बहुत ज़्यादा रोता है कि भाई उसका मालिक उसको जब छोड़ रहा होता है, बेक रहा होता है, बट वो मालिक पैसों के लिए, पैसों के चक्कर में उस बकरे को बेक देता है, उसको रखता नहीं है बेशक बकरा कितना रो रहा हो, मालिक कितना रो रहा हो, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बेक देता है फिर भी। तो भाई डॉग लवर नहीं, एनिमल लवर बनो। यही नहीं है कि भाई डॉग ही डॉग है, सभी जानवर है भाई, सब में जान है, सबके इमोशन है, सबकी फीलिंग है अपनी। कि भाई जो मैं आपको वो दे रहा था ना खुशखबरी के भाई एक और ट्रिप जा रही है, तो भाई मैं जा रहा हूँ वापिस थाईलैंड। और एक बैड न्यूज है जो कि मैं देने वाला हूँ आपको कल वाले व्लॉग में, आज वाला व्लॉग ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटे रहने देंगे। अभी मैं फिलहाल आ चुका हूँ ट्रेनिंग पर, तो जल्दी से चलता हूँ ट्रेनिंग पे और यहाँ से निकल के व्लॉग करते हैं, ठीक है? और भाइयों ठीक हो यार? देखो हालत मेरी हो चुकी है डैड बिल्कुल, और काफी मजे आए आज की ट्रेनिंग में, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हुई आज की। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, होप यू एंजॉय, हिट लाइक, बाकी ये सब चीज़ तो कर ही देना, मैं रोज यार क्या बोलवाऊँ मेरे तक, पर डू सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। बाकी ठीक है, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है? जय श्री राम, जय बोलना।